वेलकम टू आर रोज लाइव। आज का मेरा टूर था यस अलफतह का, और यहाँ से क्या बाय किया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यस दिस वन, दिस इज़ एक्चुअली एलोवेरा शीट मास्क। इट्स वेरी गुड टू यूज़ इन समर वेदर। जैसे कि आपको पता है कि जब समर वेदर आ जाता है तो उसमें आपको इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं स्किन को ग्लो करने के लिए। इसके अलावा दिस वन, दिस इज़ एक्चुअली रिवाज का है, पिंकिश वाइट ग्लो, और ये ब्लैक हेड्स रिमूव करता है आपके, और पील ऑफ मास्क है एक्चुअली। एंड इसकी कॉस्ट है 430 रुपीज़। माय गॉड, इट्स वेरी गुड टू यूज़। और आपको इसका बताऊँ तो ये है एलोवेरा शीट मास्क। इट्स वेरी इजी टू यूज़। आप इसको यूज़ कर सकते हैं जितना भी आपके फेस पे, अगर तुम मेकअप है तो आप पहले उसको रिमूव करें, फेस क्लीन करें, आफ्टर क्लिनजिंग यू कैन यूज़ इट ऑन योर फेस। और 10 to 15 minutes आप इसको यूज़ करेंगे, आफ्टर दैट यू कैन वॉश योर फेस, और उसके बाद आप रिज़ल्ट देखेंगे इसका कि कितना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। और वैसे भी आपको पता है कि अभी आगे रमज़ान भी है, तो रमज़ान के बाद ईद, ईद के लिए आपको पता है कि गर्ल्स काफ़ी कॉन्शियस होती हैं कि हमें जो है सबसे अच्छा दिखना चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन केयर रूटीन जो है उसको सेट कीजिए और इसको यूज़ कीजिए। आई होप यू विल लाइक दिस। और इसी तरह से अगर मैं आपको इसका बताऊँ तो पील ऑफ मास्क, और इट्स एज वेल इजी टू यूज़। और इसको आप कैसे यूज़ करेंगे, इसमें भी यही है कि आप सबसे पहले तो अपना जो फेस है उसको वॉश कर लें, क्लीन कर लें, और देन आप जो है लेयर आपने करनी है अप्लाई अपने फेस पे इवनली, एंड वेट करना होगा 10 to 15 minutes, और उसके बाद जब ये ड्राई हो जाए देन यू कैन वॉश योर फेस। एंड प्लीज़ अवॉइड टू यूज़ इट ऑन योर आईज एंड लिप्स, राइट। और इसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है, अगर आप वीक में एक बार भी यूज़ कर लें तो दैट्स एनफ, और इसके भी बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट। अगर मैं आपको इसका बताऊँ तो ये है एक्चुअली इट्स अ हेयर मास्क। सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी सी गला ख़राब हो रहा है भाई, मौसम चेंज हो रहा है, यू नो इस्लामाबाद का मौसम कैसा है, और जैसे जैसे मौसम चेंज होता है तो आपकी इस तरह से कंडीशन हो जाती है। ओके गाइस, तो ये है क्यूने का मास्क, और इट्स अ केयर वाइटल मास्क, और इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर तो आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हुए हैं या फिर ड्राई हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यूज़ करने का क्या तरीका है, यूज़ करने के लिए आपको शैम्पू हेयर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए आपने इस मास्क को अपने हेयर्स पे अप्लाई करना है, आफ्टर दैट आपने एक ड्राई सॉरी वेट टॉवल लेना है और उसको अपने बालों पे आपने लपेट लेना है, ठीक है। जैसे आप शॉवर लेने के बाद आप अपने बालों को टॉवल, उसके बाद आपने 3 to 5 minutes तक आप इसको छोड़ देंगे जब तक ये ड्राई नहीं हो जाएगा, ठीक है। ड्राई होने के बाद आपने बालों में इसी तरह से वाटर का यूज़ करना है, जैसे कि आप कंडीशनर यूज़ करते हैं सेम उसी तरह से आपने बालों में से इस मास्क को निकालना है, वॉश कर लेंगे जस्ट वाटर से, ठीक है। आपने शैम्पू नहीं करना, बाकी कोई और आपने कंडीशनर यूज़ नहीं करना, सिर्फ आपने पानी यूज़ करना है। उसके बाद आप रिज़ल्ट देखेंगे कि आपके बाल कितने ज़बरदस्त हो गए हैं। और क्यूने का आप अगर बाय करें तो प्लीज़ आई सजेस्ट यू कि किसी अच्छी जगह से बाय करें, अच्छी जगह से बाय करेंगे तो तभी आप रिज़ल्ट भी देखेंगे। कॉस्ट की जहाँ तक बात है तो इट्स आप कुछ जगहों से ये अगर मैं अलफतह की बात करूं तो वहां से हमें ये मिल जाएगा 1895 का, और अगर आप कहीं और से बाय करेंगे तो वहां से भी। वेल गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और प्रोडक्ट्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।